गांव आट्टा में राजमिस्त्री के हत्या आरोपी को पुलिस ने मंगलवार रात अनाज मंडी के पास से गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि संभालका के गांव आट्टा में पिछले बुधवार को आस मोहम्मद 32 वर्षीय राजमिस्त्री की गांव के युवक ने सर पर वार कर हत्या कर दी थी। गांव आट्टा वासी आस मोहम्मद शमशान घाट के पास गाँव के ही दोस्त विजय से मिला। आस मोहम्मद साइकिल लेकर ठेके पर शराब लेने पहुंचा, ठेके पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। दोनों ने गांव के शमशान घाट के पास बैठकर शराब पी, जिसके बाद किसी बात पर लेकर दोनों के बीच कहासुनी हो गई और विजय ने कस्सी से उसके मुंह पर लगातार कई बार वार किया, जिसके बाद आस मोहम्मद की मौत हो गई। एसएचओ अजीत कुमार ने जानकारी देते हुए क्या कुछ बताया, आइए वह भी हम आपको सुनाते हैं। 6-7 की रात को, मतलब 7 की सुबह को हमारे पास सूचना मिली थी कि आट्टा गांव में कब्रिस्तान की दीवार के साथ लगते हुए एक डेड बॉडी पड़ी हुई है, जिसके सिर में चोट मार रखी है। तो हम मौके पे गए, मौके पे जाकर हमने देखा कि उसके सिर में चोट मारी हुई है। तो उसकी शिनाख्त उसी टाइम आस मोहम्मद सन ऑफ इलियास, गांव आट्टा के रूप में हुई। तो हमने उसके पिताजी इलियास के बयान पे मुकदमा दर्ज करके और उसकी 174 की कार्रवाई करवाई। 174 की कार्रवाई करवाने के बाद हमने इन्वेस्टिगेशन की, तो हमें इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि इसमें विजय सन ऑफ जय भगवान का हाथ है इसकी हत्या में, जो ग्याटे गांव का ही रहने वाला है। तो हमने तफ्तीश करते हुए कल शाम को इसको अनाज मंडी, नई अनाज मंडी अपने समाड़खा में है, वहाँ के पास से इसको गिरफ्तार कर लिया। इसकी शाम को रेस्ट डाली थी, आज इसको जो है ना कोर्ट के सामने पेश करा जाएगा और इसको 3 दिन के रिमांड पे हमने एप्लीकेशन लगाई है। तो बाकी जैसा कोर्ट आदेश करेगा उसके हिसाब से कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। संभालका सीसीटीवी तहलका के लिए रतनलाल की रिपोर्ट।